ये समझना है मुझे कि आपके नजरिए में क्या पॉलिटिक्स एक डर्टी गेम है या नहीं है? फ्रॉम माई पर्सनल ओपिनियन आई डोंट थिंक सो वन कैन से दैट इट्स अ डर्टी गेम पर से. मतलब एक एग्जाम्पल आपको दूं, अगर बिजनेस है, दो बिजनेस हैं आपस में राइवल हैं या इंडिविजुअल्स हैं जो राइवल हैं, दे हैव टू कम्पीट अमंग ईच अदर, वुड दे नॉट डू वट एवर इज अंडर द सन टू बीट द अदर पर्सन? आई मीन हर तरीके के हथकंडे अपनाए जाएंगे टू कम आउट बेटर, गुड बैड एंड अगली एवरीथिंग इन्वॉल्व. एंड इफ दैट इज और दैट काइंड ऑफ अ थिंग इज डन इन पॉलिटिक्स, सो देन इट इज सेड इट्स अ डर्टी गेम. तो देन क्या हर बिजनेस, जितनी भी बिजनेसेस में आपस में चीटाकशी होती है या किसी कंपनी में होती है या किसी और फील्ड में होती है, तो सब डर्टी हो जाते हैं? आई डोंट थिंक सो. एटलीस्ट मैं इतना सिंपलिस्टिक व्यू नहीं रखूंगा किसी भी चीज का. अगर कोई दो बिजनेस आपस में कंपीट कर रहे हैं या आपस में लड़ भी रहे हैं, इफ देर आर डिफरेंसेस, यू सी डिप्लॉयमेंट ऑफ ऑल काइंड ऑफ मैकेनिज्म, लीगल. आज तो सोशल मीडिया का जमाना है, तो सही बात है. हर तरीके की चीज आपको देखने हैं, एंटी पीआर कैंपेन्स होते हैं, बहुत कुछ होता है, बहुत कॉमन है ये. तो क्या कल के दिन उठ के कह देते हो आपकी नहीं ये तो डर्टी गेम है, बिजनेस नहीं करना चाहिए? व्हेन सच अ थिंग इज अप्लाइड और इज डन इन पॉलिटिक्स, देन दिस क्वेश्चन अराइजेस दैट इज पॉलिटिक्स अ डर्टी.